नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको पंजाबी सूट की कटिंग। तो दोस्तों, ये कपड़ा जो बिछा हुआ है, ये कपड़ा 5 मीटर कपड़ा है। ऑल ओवर सूट बनेगा, ये 5 मीटर का फुल पटियाला सलवार बनेगी इसकी। तो सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। जैसे नाप मैंने सामने लिखा हुआ है, जो लेंथ ये 37 इंच लेंथ रहेगी इसकी, और जो ब्रेस्ट है वो 16.5 इंच है दोस्तों, और जो कमर है 14 इंच, और हिप 17.5 इंच। जैसे मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, जो ब्रेस्ट में और कमर में 3-3 इंच की लूजिंग होती है, और जो हिप में 2 इंच की लूजिंग होती है दोस्तों। ये अस्तर वाला पीस हमने कटिंग करना है। सबसे पहले हमने इसकी अस्तर की कटिंग करनी है। ये हमारा अस्तर है दोस्तों, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों, अगर साइज हल्का होता है, ये हमारा अस्तर है, जो साइज है वो जो हिप का साइज है हमारा 17.5 इंच है। तो 17.5 के हिसाब से हम नाप के देखते हैं। जैसे हिप हमारी यहाँ पे आएगी 17.5, तो ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है। इसमें से हमने जो ये पीस बचेगा, 13.5 इंच का पीस हमने कटिंग कर लेना है इस तरीके से। इसके हम घुटनों में, सलवार के घुटनों में इस कपड़े को यूज कर लेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ से हम 13-13.5 इंच का ये पीस लेंगे, ये फाड़ लेते हैं जो अस्तर है इस तरीके से। ये हमारे घुटनों की लाइनिंग आ जाएगी, जो हमने घुटनों में लगानी है। अगर साइज हैवी होता है फिर तो ये लाइनिंग बच नहीं पाती, लेकिन अगर हल्का साइज है तो साइड से लाइनिंग बचा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, इस तरीके से हमने सबसे पहले अस्तर बिछाना है। ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये डबल है और ये नीचे वाला भी हमने डबल करके इस तरीके से बिछाया हुआ है, और इस पे हम प्रेस कर लेते हैं। और ध्यान रखें कोई सलवट ना पड़े इसमें, अंदर की साइड या बाहर की साइड कोई भी। इसको प्रॉपर हम प्रेस से इस तरीके से बिठा लेंगे। अब हमने सबसे पहले एक नीचे निशान लगाना है। अब हमने लेंथ का निशान लगाना है। जैसे लेंथ है हमारी 37, तो हम 36 इंच इसको तैयार रखेंगे। जो ये नाप के हिसाब से हमारा रोल जो आएगा 6 इंच का आएगा, और जो कमर हमने रखनी है वो रखनी है 13.5 पे, और जो हिप रखनी है वो 21 इंच पर रखनी है इस तरीके से। ध्यान रहे 6, 13.5 और 21। अब इनको हम बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं निशान चौक से इस तरीके से। और जो हमारा साइज है, जो उस हिसाब से 16.5, 14 और 17.5, तो 16.5 में 8 पे निशान लगाएंगे, और 14 के लिए हम 7 इंच पे लगाएंगे, और 17.5 के लिए हम 9.25 इंच पे लगाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हमारा ये घेरा आ जाएगा। यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा 10.5 पे निशान लगाएंगे, और एक दूसरे निशान से लाइनें सीधी लगा लेंगे निशान चौक से इस तरीके से। हमारी निशान चौक लग के यहाँ तक हमारा पीस ऐसे आ जाएगा। अब हमने गला देखना है। जैसे गला हमारा 7 इंच है, तो हम इसकी 6.25 इंच रखेंगे यहाँ से, 6.25, यहाँ से भी 6.25 रखेंगे, और 1/2 इंच अंदर की साइड रखेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे गोलाई देंगे। एक इंच हमने जो ऊपर से 6.25 रखा है, यहाँ से 6.25 हम 1 इंच बाहर की साइड रखेंगे। ये बैक साइड के लिए निशान होता है, यहाँ पे भी हम गोलाई देंगे इस तरीके से। ये हमारी प्रॉपर फ्रंट बैक की निशान हो गया है। अब हमने 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है यहाँ से, कंधी जिसको बोलते हैं, 2.5 जैसे गला है हमारा, गला ब्रॉड रखना है हमने 5.5 इंच उस निशान से इस तरीके से। अब मैं कटिंग करूंगा। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये कटिंग आ जाएगी प्रॉपर। अब हमने फ्रंट फ्रंट वाली साइड की इस तरीके से कटिंग करनी है, 1/2 इंच नीचे डाउन करके। अब
है हमारा, आधा इंच बैक साइड बड़ी होती है और आधा इंच फ्रंट हमारा छोटा आएगा। इसके बाद जो हमारा सिंपल पंजाबी सूट है उसका अस्तर तो ये कट गया है, अब हमने सिंपल पंजाबी सूट की जो इसके ऊपर जो कपड़ा आएगा उसकी कटिंग करनी है। दोस्तों इस तरीके से हमने वर्क को ध्यान रखते हुए फ्रंट बैक का वर्क इस तरीके से ऊपर नीचे का वर्क मिलाते हुए इस तरीके से ये हमने कपड़ा इस तरीके से सेट करना है। और उसके बाद हमने जैसे 37 लेंथ है तो आधा इंच एक्स्ट्रा लेके 37.5 के निशान लगाना है। अब हमने जो लाइनिंग कटिंग की थी, जो अस्तर था हमारा ये वाला, इस अस्तर को हम ऊपर रखेंगे इसके, जो हमारे पंजाबी सूट वाला कपड़ा है उसके ऊपर अस्तर रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने अस्तर ऊपर बिल्कुल सेट कर लिया है, अब मैं इसकी कटिंग करूँगा। दोस्तों जैसे ये वर्क वाला हमारा पीस आएगा तो इसमें हमने क्या करना है, कैंची को हल्के हाथ से कटिंग करनी है। अगर हम इसको टाइट हाथ से बिल्कुल दबा के पूरा चलाएंगे तो क्या होता है, कैंची सही नहीं चलेगी। हल्के हाथ से, जैसे ये देखो ये रपटती है ना कैंची, ये रपटने दें, अगर हम इसको बिल्कुल टाइट रखेंगे तो कैंची चलेगी नहीं, हल्का सा रपटेगी तो कोई बात नहीं। इस तरीके से ये कटिंग, ये हमारा फ्रंट साइड कटिंग हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों हमने बैक साइड के लिए भी ये कपड़ा बिछाया है और इस पे भी हमने अस्तर जैसे हमने फ्रंट साइड के ऊपर बिछाया था इसी तरीके से हम यहाँ पे भी इसको सेट कर लेते हैं, ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर हो जाता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमने 37.5 पे निशान लगाना है इस तरीके से, और ये मार्जिन का, तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। एक्स्ट्रा नीचे फोल्ड के लिए ये 2 से 2.25 इंच का हमारा इस तरीके से आएगा पीस। तो दोस्तों ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो गई है। इसके बाद दोस्तों हमने बाजू जो हमारी कढ़ाई वाली बाजू है पंजाबी सूट की, पूरी पंजाबी लुक दे रही है ये, तो इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेते हैं, ये हमारा अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा कपड़ा, तो ये वर्क वाली बाजू हैं दोनों। अब हमने क्या करना है, इन दोनों बाजुओं को सीधी कर लेनी है इस तरीके से, जो सलवटे हैं वो निकाल लेते हैं। अब दोनों बाजुओं का वर्क इस तरीके से मिलाएंगे कि ऊपर नीचे ना आए, ऐसे यहाँ से मिला के देख लेते हैं इस तरीके से। ऊपर से भी हमने जो नोक है इसी तरीके से मिलानी है, ऐसे देख लेते हैं, तो ये नीचे वाली नोक है हमारी, ये ऊपर वाली। ये वर्क वाली बाजू थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है इसलिए इनको बड़े ही ध्यान से सेट करें। अब मैं प्रेस कर लेता हूँ। अब हमने क्या करना है, इसको जो ये वाला सेंटर है हमारा यहीं से बिल्कुल बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हमारा जो बाजू की शेप इस तरीके से आएगी, ये वाली जो कपड़े की शेप आएगी। अब हमने बाजू की जो लंबाई है वो देखनी है, बाजू की लंबाई है हमारी 16 इंच, तो हमने यहाँ पे 16.5 इंच पे निशान लगाना है तरीके से, और यहाँ पे हमने 3.25 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। जो हैवी साइज होता है उसमें 4.25 पे निशान लगाते हैं, और जो हल्का साइज होता है जैसे 16.5, 17 या 18 तक, तो उस पर हम 3.25 इंच पे गहराई देंगे दोस्तों। और यहाँ से हमारा जो आर्मोल आएगा वो 7.75 इंच आएगा। नीचे से हमने जो ओपनिंग रखनी है 9 इंच रखनी है। इसके बाद हम इसमें सेफ फट्टी से इस तरीके से सेफ डाल देंगे, ये वाली।
तरीके से हम ऊपर गोलाई देंगे। ये हमारी बैक साइड की है और ये फ्रंट की हम गहराई देंगे इस तरीके से। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों हमारी बाजू की इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। अब हमने फ्रंट वाली साइड की गहराई देनी है। तरीके से हमारी ये बाजू की प्रॉपर कटिंग हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों इस तरीके से ये हमारा फ्रंट है, ये हमारी बैक है और ये बाजू है। तो ये फ्रंट बैक और बाजू की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों ये अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।